So, welcome on this lecture, and this lecture is regarding the mixing and homogenization. Okay, so this slide actually I selected from Rama University, and it is Priya Tiwari, who is assistant professor, faculty of pharmaceutical sciences. Okay, so credit goes to the credit for slide goes to the Priya madam. Okay. So in this topic first of all these are the some points क्या हैं कुछ points हैं इनके regarding हम discuss करेंगे पूरे lecture में ठीक है तो first one is introduction type of mixing advantages of mixing ठीक है Silverson mixer and planetary mixer tipper roller mixer and propeller mixer okay so these are topic we will cover in this lecture okay सो इंट्रोडक्शन एक्चुअली रिवील्स इंट्रोडक्शन क्या बताता है हमें मिक्सिंग में भी डिफाइंड एज यूनिट ऑपरेशन ठीक है एक यूनिट ऑपरेशन को डिफाइन करता है इन विच टू आर मोर कंपोनेंट इन अनमिक्स आर पार्सली मिक्स स्टेट आर ट्रीटेड सो दैट ईच यूनिट ऑफ द कंपोनेंट्स लाइज एज नियरली एज पॉसिबल इन कॉन्टेक्ट विद द यूनिट ऑफ ईच अदर कंपोनेंट मतलब क्या है कोई भी जो हमें क्या है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स किसके आपका ड्रग हो गया और बाइंडिंग एजेंट्स जो भी हैं ठीक है बाइंडिंग नहीं एक्सीपिएंट्स ओके सो ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स तो उन पार्टिकल्स को हमें मतलब एक मिक्स होमोजेनस मिक्सर बनाना होता है ठीक है तो ये एक ऐसा मेथड है ठीक है या ऐसा एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें टू आर मोर कंपोनेंट्स जो कि अनमिक्स हैं ठीक है ठीक तरह से मिक्स नहीं है तो इस टेक्निक के थ्रू हम उसको जो भी कंपोनेंट अनमिक्स या पार्सली मिक्स स्टेट में है उनको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं ठीक है कि ईच यूनिट यूनिट मतलब कोई पार्टिकल मॉलिक्यूल ले लो आप द कंपोनेंट एक दूसरे के अच्छी तरह से पास में आते हैं और मिक्स होते हैं ठीक है जिससे हमारा जो एक जो हम कह सकते हैं एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार होता है ठीक है तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट ऑफ मिक्सिंग हम तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है मिक्सिंग ठीक है हम फिर से रिपीट कर रहे हैं मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत पार्टिकल आर मालिक्यूल जो कि अनमिक्स हैं या पार्सली मिक्स हैं तो उनको हम इस तरह से कुछ मेथड्स हैं वो अप्लाई करके इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार हो जाए और एक दूसरे से इस तैयार हो जाए तो इस ठीक है तो होमोजेनस मिक्सचर जब तैयार हो जाएगा तो मतलब क्या है जो टू पार्टिकल जो कि पहले क्या थे अनमिक्स थे वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं ठीक है सेकेंड में इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्सिंग हमारा मिक्सिंग का इंपॉर्टेंस क्या रहता है ठीक है तो पहला है टू मेक सिंपल फिजिकल मिक्सचर ठीक है तो ठीक है क्या है टू मेक सिंपल फिजिकल मिक्सचर और दूसरा क्या है फिजिकल चेंजेस ठीक है तो टू मेक सिंपल फिजिकल मिक्सचर की हम जब भी बात करेंगे तो इन द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट्स कैप्सूल सैचेट्स एंड ड्राई पाउडर्स टू आर मोर पाउडर्स आर ग्रेन्यूल्स आर मिक्स ठीक है तो एक सिंपल फिजिकल मिक्सचर हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं मिक्सिंग का तो इसमें टेबलेट्स कैप्सूल सैचेट्स ठीक है और ड्राई पाउडर टू आर मोर पाउडर्स आर ग्रेनुल्स एक ठीक है तो मिक्स किए जाते हैं ठीक है तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया टू मेक सिंपल फिजिकल मिक्सचर ठीक है आइदर आप टेबलेट्स का मिक्सचर बनाओ या कैप्सूल का मिक्सचर बनाओ या सेचेट्स का मिक्सचर बनाओ या ड्राई पाउडर्स का मिक्सचर बनाओ ठीक है हम मिक्सर क्यों बनाते हैं ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि हमें क्या करना है उसको डिफ्यूज़ करना है विद इन द बॉडी बॉडी के अंदर ठीक है तो उसमें क्या है हम आपका ड्रग कंपोनेंट हो गया जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात की है प्लस एक्सीपिएंट जो भी आप बाइंडिंग एजेंट्स कलरिंग एजेंट फ्लावरिंग एजेंट ऐड कर रहे हो ठीक है तो उनका क्या है पार्टिकल साइज अच्छे से एक होमोजेनाइजेशन जब पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स तैयार होंगे तो डिफ्यूजन जो उसका फार्माकोकाइनेटिक्स है ठीक है अच्छे से आपके बॉडी के अंदर होगा डायनेमिक्स एज वेल एज काइनेटिक्स एज वेल एज डायनेमिक्स ठीक है तो मतलब क्या है पूरा फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से ड्रग का होगा ठीक है तो सेकेंड पॉइंट क्या है फिजिकल चेंजेस तो मिक्सिंग में आया है तो इसमें क्या उन्होंने ऐड किया है मिक्सिंग में आई एम एट प्रोड्यूसिंग ए चेंज दैट इज़ फिजिकल ठीक है तो फिजिकल फॉर एग्जांपल द सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेबल सब्सटेंसेस तो ये जो मिक्सिंग है हम फिजिकली करते हैं ठीक है तो इसलिए इन्होंने बोला कि चेंज दैट इज़ फिजिकल ठीक है फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्वेबल सब्सटेंस ठीक है सॉल्वेबल सब्सटेंस का सोल्यूशन ठीक है इन केस ऑफ डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए सॉल्वेंट मिक्सिंग विल टेक प्लेस बाई डिफ्यूजन बट द प्रोसेस विल बी स्लो तो डिजॉल्विंग ए सॉलिड सॉलिड को जब भी आप सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो थ्रू डिफ्यूजन ठीक है ये क्या होगा डिफ्यूज होगा उसमें ठीक है प्रोसेस बट प्रोसेस क्या होगा स्लो होगा ठीक है सपोज दे आप एक ग्लास अभी वाटर लाओ उसमें एक पैरासीटामोल या एस्पिरिन का टेबलेट डाल दो तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज होगा ठीक है
तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है वो, ठीक है तो अच्छे से मतलब क्या है, अगर होमोजेनाइजेशन होगा तो यूनिफॉर्मली डिफ्यूज होगा, ठीक है। इन दिस केस एजिटेशन मेक्स द प्रोसेस रैपिड, ठीक है, तो इसमें एक एजिटेशन प्रोसेस है जो इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन प्रोसेस को ज़्यादा रैपिड बनाता है, ठीक है। तो एक तो टू मेक सिंपल फिजिकल मिक्सचर, फिजिकल चेंजेस, फिर है डिस्पर्जन, ठीक है, कोई चीज़ डिस्पर्ज हो रही है, मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूट, हम क्या इसको बोल सकते, इनकेस ऑफ इमल्सन एंड क्रीम्स, ठीक है, इमल्सन आपको पता चल गया, क्रीम्स के बारे में आपको पता चल गया, ऑइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स, ठीक है, तो टू इनकेस ऑफ इमल्सन एंड क्रीम्स, ठीक है, दोनों में इमिसिबल लिक्विड, मतलब क्या है दोनों का नेचर डिफरेंट है, क्योंकि क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इमिसिबल हैं, मतलब क्या है सॉल्युबल एक दूसरे में नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। फिर वन लिक्विड इज डिस्पर्ज इनटू अदर, ठीक है, जिसमें क्या है एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ डिस्पर्ज होता है, एक होता है डिस्पर्ज, मतलब क्या है सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, घुल नहीं रहा है एक दूसरे से। इन सस्पेंशन एंड पेस्टेस सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्ज इन ए लिक्विड बाई मिक्सिंग, तो इन सस्पेंशन एंड पेस्टेस सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्ज इन ए लिक्विड, ठीक है, बाई मिक्सिंग, तो इसमें क्या है सस्पेंशन में क्या है सस्पेंशन एंड पेस्टेस सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्ज इन ए लिक्विड बाई मिक्सिंग, हम मिक्स करेंगे दो सॉलिड पार्टिकल्स को तब एक दूसरे में वो डिस्पर्ज होंगे, ठीक है। तो इमल्सन में टू इमिसिबल लिक्विड लिए जा रहे हैं, ध्यान रखना है, सस्पेंशन एंड पेस्टेस में सॉलिड पार्टिकल, दोनों सॉलिड पार्टिकल होंगे एंड डिस्पर्ज इन ए लिक्विड बाई मिक्सिंग, ठीक है, लिक्विड में क्या है मिक्सिंग होंगे उसमें, ठीक है। प्रमोशन ऑफ रिएक्शंस, फिर फोर्थ क्या है प्रमोशन ऑफ रिएक्शन, तो मिक्सिंग इंकरेजेस एंड कंट्रोल से केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो मिक्सिंग क्या इंकरेज करता है, इंकरेज एंड कंट्रोल है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो इंश्योरिंग यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या इंश्योर कर रहे हैं यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, फिर क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, तो टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है मिक्सिंग का, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, हमें इंश्योर करना है कि जो भी आपने मिक्सिंग किया वो यूनिफॉर्मली है कि नहीं है, ठीक है, हमारा पर्पज़ यही होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो जाए। टू इनिशिएट और टू इन्हेंस द फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मतलब क्या है टू इनिशिएट करना, मतलब या इन्हेंस करना फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, जैसे डिफ्यूजन डिसोल्यूशन, तो जब यूनिफॉर्मली आपका पार्टिकल साइज होगा, ठीक है, टेबलेट का, तो अच्छे से डिफ्यूज होगा, ठीक है, तो उसका फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन जो भी डिफ्यूजन डिसोल्यूशन ये इन्हेंस होंगे, ठीक है। टू मेक द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, जैसे टेबलेट, सस्पेंशन, इमल्सन, पेस्टेस एंड क्रीम, ठीक है, इन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग के जरिए। फिर क्या फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी, वॉल्यूम, फ्लो प्रॉपर्टी एंड चार्ज, मिक्सिंग मैकेनिज्म, मिक्सिंग टाइम। पार्टिकल साइज आपको पता है, पार्टिकल शेप आपको पता है, सरफेस एरिया कितना है आपको सरफेस एरिया के रिगार्डिंग पता है, डेंसिटी भी पता है, पोरस मॉलिक्यूल पार्टिकल साइज है कि नहीं है उस पर भी, वॉल्यूम कितना है, फ्लो प्रॉपर्टी एंड चार्ज कितना है, मिक्सिंग मैकेनिज्म एंड मिक्सिंग टाइम, तो ये सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं मिक्सिंग प्रोसेस में। टाइप्स ऑफ मिक्सर की बात करते हैं, तो एक होता है पॉजिटिव मिक्सर, पॉजिटिव मिक्सर मतलब फॉर्म फ्रॉम मटेरियल सच एज गैसेस एंड मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, किससे बना होता है, गैसेस एंड मिसिबल लिक्विड से, ठीक है। द मटेरियल मिक्स स्पॉन्टेनियसली एंड इरिवर्सिबली बाई डिफ्यूजन, तो इसमें क्या है मटेरियल मिक्स होते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब तुरंत, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप मटेरियल मिक्स होते जाते हैं। इरिवर्सिबली एक प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल एक होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब एक कोई भी रिएक्शन ए से बी बन रहा है तो बी बन के ए में फर्दर ए नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो मटेरियल मिक्स स्पॉन्टेनियसली एंड रिवर्सिबली बाय डिफ्यूजन, ठीक है, नो इनपुट ऑफ एनर्जी इफ टाइम ऑफ मिक्सिंग इज अनलिमिटेड, ठीक है, नो इनपुट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ द टाइम मिक्सिंग इज अनलिमिटेड, ठीक है, ऑल द टाइम विल बी शॉर्टन इफ एनर्जी सप्लाई, ठीक है, अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो टाइम जो मिक्सिंग का वो कम हो जाएगा, ठीक है। जनरली दिस मटेरियल डू नॉट शो एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है, तो ये क्या है मिक्सिंग में क्या करता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या है पॉजिटिव मिक्सर्स। नेगेटिव मिक्सर्स क्या, मटेरियल दैट हैव टेंडेंसी टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इस नेगेटिव मिक्सर में क्या होता है, इसमें सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, ठीक है। एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाई टू कीप कंपोनेंट्स एडिक्वेटली डिस्पर्ज, ठीक है, तो एनर्जी इसमें सप्लाई होती है टू कीप कंपोनेंट एडिक्वेटली डिस्पर्ज, कि एक दूसरे से डिस्पर्स हो जाए अच्छे से, तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है। सम सेपरेट फास्टर वाइल अदर्स सेपरेशन इज स्लोअर, कुछ इसमें प्रोसेस फास्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्लो होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इन ए सस्पेंसन, ठीक है, तो सस्पेंसन, ठीक है, देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन द सोल्यूशन. सस्पेंसन में आपको पता है दोनों सॉलिड होंगे, तो देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या है, डिस्पर्सन किस में होता है, सॉलिड इन सोल्यूशन में, ठीक है. इमल्शन क्रीम एंड विस्कस सस्पेंशन है स्लो सेपरेशन, ठीक है. इमल्शन क्रीम एंड विस्कस सस्पेंशन क्या है, इनका सेपरेशन क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है. आर मोर डिफिकल्ट टू बी फॉर्म एंड रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग एफिशिएंसी, ठीक है. आर मोर डिफिकल्ट टू बी फॉर्म, ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या डिफिकल्टी है फॉर्मेशन में, रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग एफिशिएंसी. इसमें हमें एफिशिएंसी, हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग एफिशिएंसी मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है मिक्सिंग प्रोसेस में, ठीक है. इससे आपका एफिशिएंसी, जितना एनर्जी इन्वॉल्व होगा उतना एफिशिएंसी बढ़ेगा. फिर है न्यूट्रल मिक्सचर आर स्टैटिक इन बिहेवियर, ठीक है. एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक. स्टैटिक मतलब एक जगह, मतलब एक जगह रुकी रहे, ठीक है, एक जगह चीज़ें होती रहे, ठीक है. आर स्टेटिंग इन बिहेवियर नाइदर मिक्सिंग नॉट डी मिक्सिंग अगर, इसमें ना तो मिक्सिंग होता है ना डी मिक्सिंग होता है, अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसमें बाहर के, बाहर से फोर्स इन्वॉल्व होता है. एग्जाम्पल मिक्स पाउडर, पेस्टेज एंड ऑइंटमेंट्स, ठीक है. मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ द सॉलिड इज नॉट टू कोर्स, द लिक्विड इज नॉट टू विस्कस एंड द परसेंटेज ऑफ सॉलिड इज नॉट टू ग्रेट, सॉलिड कैन बी सस्पेंडेड इन लिक्विड बाई यूज ऑफ प्रॉपलर्स आर ए फ्लैट ब्लडेड टर्बाइन एंड सिलेंड्रिकल कंटेनर. एपराटस यूज, इसमें कौन कौन से अपराटस, प्लेनेटरी मिक्सर एंड सिग्मा बैंड मिक्सर यूज है, एजिटेटर मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिक्स यूज है, सीयर मिक्सर, साइज डिडक्शन, ठीक है. तो मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड के रिगार्डिंग बात किए हैं कि अगर सॉलिड टू कोर्स नहीं है या फिर लिक्विड टू विस्कस नहीं है या परसेंटेज ऑफ सॉलिड नॉट ज़्यादा नहीं है या सॉलिड कैन बी नॉट सस्पेंड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड सस्पेंड नहीं किया जा रहा है लिक्विड में, बाय यूज ऑफ प्रॉपलर्स आर फ्लैट ब्लेडेड टर्बाइन्स इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर. देन अपराटस यूज, इसमें कौन से अपराटस यूज होते हैं, प्लेनेटरी मिक्सर एंड सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ठीक है, यूज एज एजिटेटर मिक्सर की तरह यूज होते हैं. ट्रिपल रोल्स मिल्स यूज एज ए सीयर मिक्सर साइज डिडक्शन, ठीक है, तो साइज डिडक्शन के लिए हम ट्रिपल रोलर मिल्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. फिर आपका प्लेनेटरी मिक्सर की बात आती है, ठीक है, तो प्लेनेटरी मिक्सर के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, तो प्लेनेटरी मिक्सर आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मिक्सर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है. तो ये प्लेनेटरी मिक्सर सबसे ज़्यादा यूज होना और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है. इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द प्लेनेटरी मिक्सर इज ऑफन यूज एज ए बेसिक ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग, ठीक है. बेसिक ऑपरेशन में, मिक्सिंग में हम प्लेनेटरी मिक्सर का यूज़ करते हैं. ब्लेंडिंग एंड लोअर सीयर ग्रेनुलेशन, ब्लेंडिंग में, लोअर सीयर ग्रेनुलेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. दिस मशीन इज आल्सो यूज अदर इंडस्ट्रीज लाइक कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड, ग्लासेस, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटल इंडस्ट्री, ठीक है. तो अदर इंडस्ट्री में प्लेनेटरी मिक्सर का भी यूज होता है, ठीक है. ओके, सो प्लेनेटरी मिक्सर के बारे में बस इतना है. सबसे ज़्यादा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर मिक्सिंग पर्पज यूज होता है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्लेनेटरी मिक्सर बेसिक ऑपरेशन की तरह यूज होता है. ब्लेंडिंग एंड लोअर सेल ग्रेनुलेशन में इसका यूज होता है. ओके, मशीन इज आल्सो यूज इन अदर इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक अगर इंडस्ट्री में जाओगे तब भी इसका हम मिक्सिंग में यूज़ करते हैं. पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड, ग्लासेस, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटल इंडस्ट्री. सो ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम प्लेनेटरी मिक्सर का फॉर द पर्पस ऑफ मिक्सिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है. प्लेनेटरी मिक्सर का आप फिगर देख सकते हो, ठीक है. फिर अगर हम प्लेनेटरी मिक्सर के बारे में थोड़ा देखेंगे तो हैव टू ब्लेड्स, ठीक है. इसमें टू ब्लेड्स होते हैं विच रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, एक एक्सिस के, अपनी एक्सिस के चारों तरफ ये राउंड करते हैं व्हाइल दे ऑर्बिट द मिक्स वेसल एंड ए कॉमन एक्सिस, ठीक है. तो आप देख सकते हो इसमें प्लेनेटरी, ये दो आपके, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लेड्स लगे हैं. यही नीचे आप इसमें स्विच होते हैं, उनको आप डाउन करोगे तो नीचे आएंगे, नीचे आपका क्या है, मटेरियल होगा, तब ये मिक्सिंग की तरह यूज़ होंगे. आप देख सकते हो ऊपर क्या है, हम अपना जो भी पाउडर फॉर मिक्सिंग पर्पस डालते हैं, तो ऊपर डालोगे जाएगा, ब्लेड्स राउंड करेंगे और मिक्स होगा, ठीक है. द ब्लेड्स कंटिन्यूसली एडवांस अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द वेसल, रिमूविंग मटेरियल्स फ्रॉम द वेसल वॉल एंड ट्रांसपोर्टेड इन टू द इंटीरियर, ठीक है. दीज मिक्सर आर आइडियल फॉर मिक्सिंग एंड नीडिंग विस्कस पेस्टिस आर प्रिटी लाइक मटेरियल्स, ठीक है. तो आप देख सकते हो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. तो आपको प्लेनेटरी चल रहे हैं बस आ रहे हैं चलो हाँ तो का बताया है.